हमारे घरों पर लाइन लग रही है। कुछ भी ऑफिस वाला भी लॉकडाउन से लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। ऐसी जनता बाहर आ रही है, हमने हमारे दिल्ली वॉल पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ। मैडम एक लाख का खाना, एक लाख का, एक लाख बीस हजार का, इससे ज्यादा का खाना नहीं है। कुछ नहीं कर रहे हो। अरे ऐसी चैम्बर से बाहर निकल के कॉन्स्टेबल के साथ जाओ इन कच्ची बस्तियों में, आपको पता लगेगा क्या हालत है वहाँ के। बिना जानकारी के डिसीजन कर देते हो। अरे नहीं सर, इन ट्रेन को आपने अभी देखा ही नहीं है। आपकी पॉपुलेशन में 6000 खाने, प्रशासन बहुत बड़ी बात, 6000 खाने, 10 रुपए का खाना, बड़ी बात कर रहा है कि भाई 65000 का खाना, 16 लाख का एक दिन का खाना, 16 लाख। और अब देखिए यहाँ पर अजमेर दक्षिण की जो विधायिका अनिता भदेल, वो इस वक्त यहाँ पर आ चुकी हैं। वो यहाँ पर आके तमाम पार्षदों की बात को सुन रही हैं। अजमेर सीओ नॉर्थ यहाँ पर डॉक्टर प्रियंका हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं, वो लगातार है, एडिशनल एसपी यहाँ पर मौजूद हैं। और अब विधायक को आकर मोर्चा संभालना पड़ा है, पार्षदों से आकर पार्षदों की पीड़ा को समझ रही हैं, सुन रही हैं, और उसके बाद वो आश्वासन इस बात का दे रही है कि प्रशासनिक अमले से बात करेंगी, मुख्यमंत्री तक इस बात को अभी पहुँचाया और जाएगा। कैबिनेट की बैठक अभी शुरू होने वाली है कुछ ही देर के अंदर, उसमें भी इस बात का जिक्र किया जाएगा। और विधायक जो हैं वो अब प्रशासनिक अमले से इस वक्त पुलिस से बात कर रही हैं, पुलिस अधिकारियों से, कि पार्षदों की जो गिरफ्तारी इस वक्त हुई है वो गैर वाजिब गिरफ्तारी है। क्योंकि पार्षद जो यहाँ पर मांग लेकर आए हैं, जो हमारी जो पार्षदों से बात हुई है, कि यहाँ पर देखिए प्रियंका, डॉक्टर प्रियंका यहाँ पर है, वो है यहाँ पर, और तमाम जो पार्षद है बीजेपी के, ये पार्षद है तमाम, जब बीजेपी की अजमेर दक्षिण की जो विधायिका अनिता भदेल है वो आ चुकी है, तो उसके बाद की ये तस्वीर आपके सामने है। बीजेपी के तमाम पार्षद लामबंद हो चुके हैं अपने पार्षदों का रुख स्पष्ट करते हुए। कोरोना महामारी के दौरान जो उनके वार्ड के अंदर तस्वीर इस वक्त बनी हुई है, उस तस्वीरों को भी ये यहाँ पर बताते हुए, समस्याओं को बताते हुए। देखिए इस वक्त मैं कलेक्ट्रेट के बाहर बिल्कुल मौजूद हूँ, और यहाँ पर जितने भी तमाम पार्षद आए थे, उन महिला पार्षदों को इस वक्त पुलिस ने डिटेन कर लिया है, पुलिस ने उनको यहाँ पर हिरासत में लिया है धारा 144 तोड़ने के लिए। ये तमाम पार्षद इस वक्त यहाँ पर मौजूद थे कि क्योंकि इनके वार्ड के अंदर राशन की जो सामग्री है वो पहुँच नहीं रही थी, DSO अपने स्तर पर उस तरीके से काम नहीं कर रहे थे जिस तरीके से राशन उनके वार्डों में पहुँचना चाहिए था। और उसके बाद पुलिस ने अब यहाँ पर जो महिला पार्षद है उनको डिटेन कर लिया है। ये देखिए आप इस वक्त इस गाड़ी में तमाम जो महिला पार्षद है उनको यहाँ से ले जाया जा रहा है, हिरासत में ले लिया है। तस्वीर आपके सामने, इस वक्त जो 3 या 4 महिला पार्षद हैं जो इस वक्त गाड़ी के अंदर मौजूद हैं, पुलिस के तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। धारा 144 का उल्लंघन है, ये पार्षद इस वक्त गाड़ी के आगे हैं, गाड़ी को रोक रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि जितने भी, ये देखिए अब, ये देखिए चंद्रेश सांकला है जो गाड़ी के आगे इस वक्त गाड़ी के आगे यहाँ पर बैठ चुके हैं, और तमाम पार्षद यहाँ पर आकर बैठ चुके हैं। तमाम पार्षदों ने यहाँ पर कह दिया है कि अगर किसी भी पार्षद की गिरफ्तारी होती है, उसे डिटेन किया जाता है, तो तमाम पार्षद भी यहाँ पर अपनी गिरफ्तारी देंगे। उसके बाद यहाँ पर माहौल गरमाया हुआ है। जो हालात यहाँ पर है, ये पूरे राजस्थान में पहली बार अजमेर के अंदर ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर पार्षदों को आकर धरने पर बैठना पड़ रहा है। कलेक्ट्रेट के बाहर की तस्वीरें आप तक MPTV इंडिया इस वक्त पहुँचा रहा है। देखिए 3 या 4 महिला पार्षद हैं जिन्हें इस वक्त पुलिस ने डिटेन कर लिया है, उन्हें यहाँ से ले जाया गया है, और उसके बाद जो बाकी के तमाम पार्षद हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, पुलिस के साथ यहाँ पर बहस हो रही है लगातार कि इस तरीके से पार्षदों की गिरफ्तारी बेहद गलत है। तमाम तरीके के आरोप उन्होंने लगाए हैं, प्रशासनिक अधिकारियों पर लगाए हैं, लेकिन पुलिस ने तमाम पार्षदों को यहाँ से कह दिया है कि वो यहाँ से जाएँ, अपनी अपनी जगह पर जाएँ। हो सकता है कुछ और पार्षदों की गिरफ्तारी भी हो। हम आप तक लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए केवल इतना ही।